सो हेलो लोग, वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो गाइस। सो कैसे हो, अच्छे होंगे। और गाइस आज दोबारा खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट गाइस। आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं अपने डॉग के लिए हाउस, मतलब डॉग हाउस बनाने वाले हैं आज की वीडियो में। सो चलिए गाइस मैं बना स्टार्ट करता हूँ। सो गाइस चलिए हम अपना डॉग हाउस बनाना स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन गाइस अभी हो चुकी है रात। तो चलिए गाइस मैं आप लोगों को सोने के बाद में मिलता हूँ। सो गाइस गुड मॉर्निंग, गाइस सुबह हो चुकी है और गाइस चलिए हम अपना डॉग हाउस बनाना स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, सो मैं कह रहा था कि गाइस मैं कह रहा था कि गाइस आपने देखा ही होगा कि डॉगी के गले पे एक वुल्फ के गले पे एक बेल्ट टाइप का होता है, ये रेड रेड। तो अब हम उसे बनाते हैं। सो सबसे पहले हमें इसको लेके जाना ऊपर। 1 2 3 4 5 6 8 9 ये चलेगा गाइस। थोड़ा नीचे लेते हैं चाकू को और थोड़ा वो कर लेते हैं फिर। और इसे हमें लेके जाना है 8 1 2 3 4 5 6 7 और हमें लेके जाना यहाँ से। अब ये वॉल को हमें कर देनी है कम्प्लीट। हाँ गाइस, तो मैं कह रहा था ये वॉल को हमें कर देनी है कम्प्लीट। और यहाँ से हमें एक वाइट वाइट कंक्रीट। हाँ गाइस मैं सो कुछ ऐसा बनाना है हमें इधर से, कुछ ऐसा तरीके से यहाँ पे, और फिर कुछ ऐसे। फिर भी सेम प्रोसेस होगा हमें, कुछ डैमेज करना नहीं। और ये बन के रेडी चुका हमारा डॉग हाउस, नहीं मतलब बन के रेडी नहीं, वो बनने वाला है। और यहाँ से हम 1 2 3 गाइस कुछ ऐसा लग रहा है हमारा हाउस गाइस, लेकिन उसके ऊपर मैं फिल करना भूल गया। सो चलिए गाइस ऊपर चलते हैं, हम उसको फिल करके आते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो गाइस जो वुल्फ है उसके नीचे ये ब्लैक कलर का जो पार्ट है उसको अब हम बनाने वाले हैं यहाँ पे। सो 1 2 3 देन 1 2 फिर गाइस यहाँ तक हम इसको लेके आना है, ये कुछ ऐसा गाइस यहाँ पे। फिर इसके बाद कुछ ये लगेगा ऐसा। गाइस देखिए कुछ ऐसा लग रहा है हमारा डॉग हाउस। और गाइस आप लोगों को याद ही होगा गाइस कि पिछली बार जब हम माइनिंग कर रहे थे तो हमें कुछ टेराकोटा मिले थे। सो गाइस अभी हम उसको लगाने वाले हैं यहाँ पे। और कुछ पहले इधर पे वाइट वाला जो कॉन्क्रीट रहता है वो लगाएंगे हम कुछ ऐसे। फिर उसके बाद हमें इधर पर भी सेम, फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा देन ये। तो उसके बाद ये और लाइट ग्रे कंक्रीट भी मैंने वहाँ पे किया था, मतलब माइन। सो गाइस कुछ ऐसा। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे लगानी है ब्लैक कंक्रीट। और गाइस देखिए गाइस कुछ ऐसा लगेगा। फिर उसके बाद हमारा डॉग हाउस गाइस कुछ ऐसा दिखेगा, इस कुछ ऐसा दिखेगा। और फिर उसके बाद हमें चढ़ जाना है ऊपर, राइट से चढ़ते हैं। और सो गाइस कुछ इतना कर लेना है। फिर गाइस हमें कॉर्नर पर दो आइस लगा देनी है उसकी ब्लैक कलर की। और फिर उसके ऊपर हमें कुछ इस तरीके से लगा देना है ब्लॉक। और फिर उसके यहाँ पे गाइस हमें लगा देना है टेराकोटा, वाइट कंक्रीट देन टेराकोटा, स्किन टेराकोटा, स्किन ब्लॉक वाला। और फिर उसके गाइस यहाँ पे टेम्परेरी ब्लॉक लगाया था मैंने। फिर यहाँ से हम इसको वो कर देंगे, ब्रेक कर देंगे ब्लॉक को। फिर हम इसकी जगह लगा देते हैं ग्लास। ओके गाइस ग्लास लगा देते हैं। फिर इसकी जगह हम यहाँ पर और यहाँ पे गाइस ग्लास लगा देते हैं। फिर हम टेम्परेरी ब्लॉक हटा देते हैं। और सो गाइस कुछ ऐसा लग रहा है गाइस यहाँ पे हमारा डॉग हाउस। और गाइस यहाँ गाइस ग्लास लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, या मुझे कमेंट में बता देना। और गाइस फिर उसके बाद हमें हमारा नेक्स्ट वीडियो में जो हमने फार्म बनाया था वो ऑटोमेटिक वूल फार्म। और गाइस इसमें अच्छे खासे वूल मतलब आ गए हैं, इनमें से कुछ वूल मैं निकाल भी लिया मैं, क्योंकि सोच रहा था कि वूल का बनाऊंगा मैं, क्या कहते हैं उसको, डॉग हाउस। लेकिन फिर उसके बाद मैंने सोचा नहीं यार नहीं बनाना चाहिए हमें। और गाइस मैं आप लोगों को मिलता हूँ गाइस पूरे इंटीरियर जो हम मतलब डेकोरेशन करेंगे वो सब करने के बाद मैं उसे मिलता हूँ यार। मैंने सिंपल बनाया, बिल्कुल चेस्ट रख दिया बस, हो गई। और गाइस चलिए हम बाहर चलते हैं। और गाइस यहाँ डोर लगाना मैं भूल गया। और सो चलिए गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।